बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने 5 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे चैप्टर नंबर 1 के, जो रिमेनिंग 5 है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 6th एमसीक्यू है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। तो अब हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज लेसर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरियम। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज लेसर then ionization energy of magnesium, ionization energy of calcium is greater than ionization of energy of beryllium, or ionization energy of calcium is less than ionization energy of strontium. तो अब अगर ionization energy का trend देखें, अगर हमें याद हो, आप लोगों ने topic पढ़ा हुआ है ionization energy का, तो ionization energy में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब भी top to bottom हम groups के अंदर जाएं, ग्रुप्स के अंदर मूव करें, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हमें डिक्रीज होता नजर आता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर कम होती चली जा रही है। तो इट वुड बिकम मोर एंड मोर इजियर टू ड्रॉप द वेल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी गैशियस आइसोलेटेड एटम। तो अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम, तो वो 590 किलोजौल्स पर मोल होती है। अगर बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, तो 738 किलोजौल पर। तो इट इज वेरी क्लियर कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। या यूं कह लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज लेसर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। तो देयरफॉर बी ऑप्शन बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद 7वां एमसीक्यू है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती जो किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा ऑप्शन है एनर्जी रिलीज आफ्टर एडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस दैट्स द राइट आंसर, क्योंकि वो एनर्जी जो रिलीज होती है तब जब किसी एटम के वैलेंस ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर एड होता है, तो दैट इज द राइट आंसर। तो इसका सोल्यूशन हमने दिया हुआ है एनर्जी forces, London dispersion forces, तो अगर London dispersion forces हैं,
एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की शक्ल दी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 220 डिग्री सेल्सियस है, इसका 101 माइनस 220 है, इसका माइनस 101 है, इसका माइनस 7.2 है, और फिर जो आयोडीन है उसका 114 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जो कि टॉप बॉटम इंक्रीज कर। लास्ट एमसीक्यू है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटालिक हैलाइड इंक्रीजेस इन द पीरियड्स, यस ये पहला ऑप्शन ही ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी मेटालिक कोवलेंट कैरेक्टर की बात की जाती है मेटालिक हैलाइड्स, तो जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से कोवलेंट रेडियस कोवलेंट जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर जाता है। यानी ये जो कोवलेंट कैरेक्टर है इट इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इस वजह से कोवलेंट कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियड्स के अंदर इंक्रीज करता है। सो दीज आर द टोटल number of MCQs present in chapter number 1 and we have discussed them in detail and in with the respect of all of their possible solutions. So hope so ki aapko samajh aaye honge, aap isko note down kijiye particularly in the solutions. Inshallah bahut jald hum agli video mein milenge.